So now comes the medial lemniscus pathway. It is also known as the dorsal column medial lemniscus pathway. Now this pathway is a form of an ascending tract. Now first of all, what are the various functions of medial lemniscus pathway? The first one is to discriminate between the two point touch, and it also tells about the fine touch. Second thing is about picking up pressure, stretch, vibrations, and also tells about the proprioception. Okay, now what are the various receptors which are responsible in the medial lemniscus pathway? These are Meissner's corpuscle, Merkel's disc, Pacsinian corpuscles, peritracheal nerve endings, Ruffini's corpuscles, and proprioceptors. It is an extremely fast pathway and it is ipsilateral at the level of the spinal cord. Okay, now let's begin it. Now, सबसे पहले क्या होता है? First order neurons किधर होते हैं? Dorsal root ganglion. Now, as we know, जो dorsal root ganglion होता है, वो CNS के बाहर होता है present. जैसे कि ये रहा, ठीक है? ये क्या होगा? ये होगा dorsal root ganglion, जहाँ पे क्या present होंगे? First order neurons. यहाँ से क्या होगा? जो फाइबर्स होंगे, जैसे इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं, एक होता है सर्वाइकल अबव T6 एंड लंबर बिलो T6. अब इसमें क्या होगा, जो फाइबर्स बिलो T6 लंबर वाले रीजन में आएंगे ना, वो लोअर लिम्ब से आएंगे, और जो अबव T6 आएंगे ना सर्वाइकल वाले, वो अपर लिम्ब और अपर पार्ट ऑफ बॉडी से आएंगे. अब क्या होगा, जो फाइबर्स आए, सपोज ये वाले रेड कलर्ड फाइबर्स आए, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में आ गए, सबसे पहले डॉर्सल रूट गैंग्रियन में, वहाँ से कहाँ पे एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगे पोस्टीरियर, वी ऑल नो पोस्टीरियर वाला सेंसरी होता है, तो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में एंटर करेंगे, और वहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाके जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, वो होते हैं लोकेटेड विद इन द मेड्यूला, और वो कहाँ पे जाएंगे, ऊपर वाले क्या होंगे, फेस्किक्यूलस क्यूनिएटर्स, ठीक है, वो किधर जाएंगे, न्यूक्लियस क्यूनिएटर्स के पास, और जो नीचे वाले होंगे, ये वाले जो ब्लू वाले हैं, वो इधर आएंगे, इधर से किधर जाएंगे, सबसे पहले पोस्टीरियर हॉर्न में आए, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न के बाद वो किधर जाएंगे, ऊपर 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 जाते जाते जो ये जो फेस्किक्यूलस ग्रेसिलस है, वो ऊपर जाएगा और न्यूक्लियस ग्रेसिलस के पास चला जाएगा. नाउ आफ्टर दिस न्यूक्लियस ग्रेसिलस, अब क्या होगा, ओके, नाउ जो FG है, फेस्किक्यूलस ग्रेसियलिस, वो किधर जाता है, न्यूक्लियस ग्रेसालिस पे. जो फेस्किक्यूलस क्यूनिएटर्स है, वो किधर जाता है, न्यूक्लियस क्यूनिएटर्स है, वो किधर जाता है, न्यूक्लियस क्यूनिएटर्स पे. नाउ दे फॉर्म कनेक्शंस एंड क्रॉस ओवर टू द ऑपोजिट साइड, दिस इज नोन एज इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स. नाउ अब क्या होता है, यहाँ पे फाइबर्स जो होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं, डेक्यूसेट कर जाते हैं, जिनको बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स. तो यहाँ पे देखो, जो NC के फाइबर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो क्रॉस होकर किधर जा रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ. जो इधर फाइबर्स हैं राइट हैंड साइड की तरफ, वो क्रॉस होकर किधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. दिस इज नोन एज डेक्यूसेशन. नाउ आफ्टर डेक्यूसेशन दे फॉर्मिंग द मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, ठीक है. नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे, दे साइनैप्स ऑन द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. नाउ वेयर इज द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट, विच इज, इट इज प्रेजेंट इन द VPL. VPL इज प्रेजेंट इन थैलेमस. एंड व्हाट इज VPL? इट इज बेसिकली द वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस. ना अब क्या होगा, एक्सॉन्स मूव अप टू पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, और वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, दे कम्स अप फॉर्मिंग कोरोना रेडिएटा एंड सप्लाई द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मेनली द S1 एंड S2 रीजन. नाउ वन थिंग विच इज वेरी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इज दिस थिंग. नाउ सी दिस थिंग. नाउ इंटरनल कैप्सूल के बिल्कुल पास होती है आर्टरी विच सप्लाई द इंटरनल कैप्सूल. नो केयर मस्ट बी टेकन वाइल परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सर्जरी और एनी कंप्रेशन कैन बी हेयर और ब्लड लॉस कैन बी हेयर विच कैन प्रूव टू बी डैमेज टू दिस पाथवे. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे.